84 महादेव की यात्रा में मैं आ पहुंची हूं रामेश्वर महादेव, जो दक्षिण में नहीं महाकाल वन में बसते हैं। राम भाट के जीरो रेखांश के सन्निकट इस मंदिर की स्थिति दर्श होती है। अलग अलग प्रकार की दंत कथा और मान्यता यहाँ पे सामने उपस्थित होती है, जिसमें एक ऐसी स्थिति जो एक विशेष ऊर्जा का संचार करती है। एक मान्यता त्रेता युग से इससे जुड़ी होती है कि भगवान राम ने यहाँ आकर के विशिष्ट पूजा अर्चना की, वो पूजा अर्चन करने के बाद ही यहाँ पर रामेश्वरम तीर्थ उपस्थित हुआ। ऋषि जगदम्नी और रेणुका के यहाँ एक बाल का जन्म हुआ जिसका नाम राम था। लेकिन एक दिन बहुत ही अहंकार में आके ऋषि जगदम्नी ने उन्हें आदेश दिया कि वह अपने भाइयों और माँ का वध कर दे, और जगदम्नी के आदेश के अनुसार राम ने यही किया। उन्होंने अपने माता और भाइयों का वध कर दिया। रामेश्वरम का मंदिर सामने उपस्थित, यह स्थिति पश्चिम दिशा को संबद्ध करती है। साथ ही यह कुंभ राशि से जुड़े अंशों को भी स्पष्ट कर सकती है, क्योंकि रामेश्वरम का जो स्थान है वैसे तो दक्षिण पश्चिम के भाग में माना जाता है, वो मूलतः दक्षिण के क्रम में माना जाता है। बारह ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आने वाले रामेश्वरम, जहां पर राम सेतु के निर्माण की बात पुराण में आती है, कालांतर में शास्त्र में बताई गई, उस दृष्टि से साथ ही 84 महादेव की दृष्टि से यहां रामेश्वरम की यात्रा उनकी कथा उस क्रम से कुछ अलग है। हालांकि लक्ष्य और उद्देश्य संबद्ध को निरूपित करते हैं, फिर भी यहाँ पर रामेश्वरम का स्थान जैसे कि कहा गया है, नक्षत्र मेखला में अलग अलग प्रकार की दिशाओं का, राशियों के संचरण का या परिभ्रमण की स्थिति का अलग प्रकार का अध्ययन होता है। जगदम्नी ने खुश होकर अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि वह हर युद्ध में विजय प्राप्त करेगा, और ऐसा हुआ भी। ऐसे में उन्हें अपने आप पर घमंड आ गया और राम ने सहस्त्रबाहु से युद्ध करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब सहस्त्रबाहु ने यह देखा तो उसने जगदम्नी की हत्या कर दी। इससे क्रोधित होकर राम ने सहस्त्रबाहु के हजारों हाथों को काट दिया, जिसका पाप राम को लगा और राम विलाप करने लगे और महाकाल वन में शरण लेने आ गए।
रामेश्वरम मंदिर, यहां पर कहा गया है कि अपने संताप से मुक्त होने के लिए या कोई बिछड़ा हुआ है उसे प्राप्त करने के लिए इनकी पूजन की मान्यता बताई जाए। कहा यह भी गया था कि सीता जी के लिए साथ ही पुनरुत्थान के लिए या पुनर्राज्य की प्राप्ति के लिए राम जी ने यहाँ पर पूजन की थी। हालांकि बहुत ज्यादा स्पष्ट वर्णन इस बात का उपलब्ध नहीं है, किंतु लौकिक परंपरा में इस बात को दृष्टिगत रखा गया है। कुंभ राशि वाले जातक जिन्हें संघर्ष अधिक होता है वे अपने संघर्ष की निवृत्ति के लिए रामेश्वरम का पूजन करते हैं। महाकाल वन में उन्होंने शिव की तपस्या की और अपने पापों से मुक्ति की चाह मांगी, जिसके बाद इस मंदिर में उन्होंने पूजन अर्चन कर अपने पापों से मुक्ति पाई। इसलिए इस मंदिर का नाम रामेश्वरम मंदिर रखा गया, क्योंकि यहाँ कहानी भगवान शिव और राम की है। यह राम जगदम्बनी और रेणु का पुत्र था। रामेश्वरम का पूजन विशिष्ट तौर पर धार्मिक अभिषेक से जोड़ा गया है। विशिष्टतः पीले धान का दाम, पीले धान के द्वारा जलाभिषेक अनुक्रम यदि स्थापित करते हैं तो गृहस्थ को अनुकूलता की प्राप्ति के साथ साथ अपने रूठे हुए सदस्य की स्नेह दृष्टि प्राप्त होती है। नक्षत्र की हम बात करेंगे तो कुछ स्थितियों में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इस कक्षा को संबद्ध करता है, क्योंकि राम ने अपने जीवन में संघर्ष का अनुकरण किया। कुंभ राशि उसी संघर्ष का परिचायक है, तो कुंभ राशि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र उन स्थितियों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। यह भी सत्य है कि संघर्ष को समाप्त करने के बाद राम ने अपने सभी प्रकार के वे कार्य जो राजा होने के साथ साथ सम्राट होने के साथ संपादित किए जाते हैं वे प्राप्त किए हैं, जैसे लवकुश की उन्हें प्राप्ति हुई, जैसे सम्राट को भारत विजय आदि अनेक अनेक पद उन्हें प्राप्त हुए। यही नहीं, ऋषि मुनि महर्षियों का विशेष आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हुआ है। यात्रा का अगला पड़ाव है चवनेश्वर महादेव, जो कि तीसवे स्थान के महादेव हैं। जय महाकाल।